हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन, कार्बन के अपरूप और उनके गुण। तो आप देख लीजिए, कार्बन ये पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पित हुआ है, जिसका अर्थ कोयला होता है। भूपरपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। एक बार और देख लीजिए, कार्बन पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ कोयला होता है। भूपरपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कार्बन के अपरूप एवं उनके गुण देख लीजिए। यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के तीन प्रमुख अपरूप निम्नलिखित है। एक बार और देख लीजिए, यदि कोई तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के तीन प्रमुख अपरूप निम्नलिखित है। नंबर एक देख लीजिए, हीरा। यह रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का सुचालक है, परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है। हीरा एक बार और देख लीजिए, यह रंगहीन, पारदर्शी, अत्यधिक कठोर तथा उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण अत्यंत चमकीला है। हीरा प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों में सबसे कठोर है। यह विद्युत का कुचालक है, परंतु इसका गलनांक तथा ऊष्मीय चालकता अत्यधिक होती है। नंबर दो देख लीजिए, ग्रेफाइट। यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, परंतु ऊष्मा का कुचालक है। ग्रेफाइट सर्वाधिक अस्थायी अपरूप है। एक बार और देख लीजिए, ग्रेफाइट। यह काले भूरे रंग का अपारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का मुलायम एवं स्पर्श करने पर चिकना होने की अनुभूति देता है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, परंतु ऊष्मा का कुचालक है। ग्रेफाइट सर्वाधिक अस्थायी अपरूप है। अब नंबर तीन देख लीजिए, फुलेरीन। C60 का नाम, कार्बन 60 का नाम, बकमिंस्टर फुलेरीन या बांकी बाल से कार्बन 60 की संरचना, C60 या कार्बन 60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण रखा गया है। गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छों युक्त कार्बन फुलेरीन का अपरूप है। बकमिंस्टर फुलेरीन के अणु में 60 कार्बन परमाणु षटभुजी और पंचभुजी वलयों में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन 60 सर्वाधिक क्रियाशील अपरूप है। फुलेरीन एक बार और देख लीजिए, C60 कार्बन 60 का नाम, बकमिंस्टर फुलेरीन या बाकी बाल कार्बन 60 या C60 की संरचना फुटबॉल जैसी होने के कारण रखा गया है। गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छों युक्त कार्बन फुलेरीन का अपरूप है। बकमिंस्टर फुलेरीन के अणु में 60 कार्बन परमाणु षटभुजी और पंचभुजी वलयों में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन 60 या C60 सर्वाधिक क्रियाशील अपरूप है। तो दोस्तों, आपने कार्बन और कार्बन के अपरूप एवं उनके गुण देख लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल UP बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।